छत्तीसगढ़ वन सेवा साक्षात्कार दस्तावेज के सत्यापन हेतु एक जरूरी। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर ACF यानी कि छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा का अब दस्तावेज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि छत्तीसगढ़ में सिलसिला चालू हो चुका है। अब यानी कि यहाँ पर बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ACF के बारे में बात करने वाले हैं, ACF यानी कि छत्तीसगढ़ वन सेवा के बारे में। बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन हेतु एक जरूरी सूचना की बात। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि छत्तीसगढ़ वन सेवा यानी कि संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका जो परीक्षा हुआ था, जो साक्षात्कार नहीं हुआ था, उनके बारे में यहाँ कमेंट ना करें, पहले वीडियो को देख लीजिएगा, लास्ट तक स्किप ना करें, है ना। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के अनुसार हम आपको बता रहे हैं एक PDF के माध्यम से, कि रोजगार आयोजन नियोजन के माध्यम से देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत वन विभाग में कुल 211 विज्ञापित पदों के लिखित परीक्षा का परिणाम लिखित 9/9/2022 को जारी किया गया था। ठीक है, कब जारी किया गया था परिणाम, जो कि लिखित परीक्षा का 9/9/2022 को, जबकि उक्त लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के उपलब्धता के आधार पर कुल 635 अभ्यर्थी को साक्षात्कार चिन्हांकित किया गया था। कुल टोटल कितने की बात कर रहा हूँ मैं, 635 अभ्यर्थियों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आयोग द्वारा चिन्हांकित अभ्यर्थियों साक्षात्कार के लिए 18/5/2023 से, कब, 18/5/2023 से, याद रखना 18/5/2023 से 3/6/2023 तक आयोजित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि साक्षात्कार के लिए सत्यापन हेतु सूचना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन साक्षात्कार की जो है, आपका तिथि के बारे में बात करते हैं, तो तिथि आपका, ठीक है, ये एक दिन पूर्व निर्धारित प्रथम पाली यानी कि सुबह 9:30 बजे से, और द्वितीय है जो पाली आपका दोपहर 2 बजे से किया जाएगा। यह निर्धारित साक्षात्कार की दस्तावेज किया जाएगा। आप याद रख सकते हैं कि पाली का सुबह 8:30 बजे से द्वितीय पाली 1 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के लिए प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्तांक के लिए होना चाहिए। साथ ही जो है आपका तिथि के बारे में बात करें, जारी के शैक्षणिक योग्यता के लिए जाति निवास आय निःशक्त जन प्रमाण पत्र, साथ ही आपका पहचान पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति एक कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीद समाप्त कर दी जाएगी और इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना था कि अब यहाँ पर सिलसिला चालू हो चुका है, ACF का ये जो सत्यापन के लिए दस्तावेज प्रारंभ किया गया है। अब इसके बाद यानी कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल सकता है, जो रुका हुआ है उसका प्यून का जो रिजल्ट नहीं आया है उनका, यानी कि बहुत सारी, जैसे कि छात्रावास अधीक्षक हो गया है या फिर SI भर्ती मेंस के एग्ज़ाम यानी कि सेकंड नहीं हुआ है उसका भी हो सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में अब बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आने वाली भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।